नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ अंकिता। देखिए, गोल्ड की उम्मीद थी लेकिन कोई बात नहीं, मेडल तो मेडल होता है। नीरज चोपड़ा ने इतिहास भी रचा है, साथ ही साथ 89.45 मीटर का भाला फेंकते हुए उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। देश जो है वो गौरव जो है वो फील कर रहा है, क्योंकि जब जब भी नीरज चोपड़ा मैदान पर आते हैं एक अलग ही एनर्जी के साथ आते हैं और हमेशा उम्मीद रहती है कि गोल्डन बॉय जो है वो गोल्ड मेडल लेकर आएगा। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ सिल्वर मेडल भारत को मिला है। साथ ही साथ आपको बता दें कि गोल्ड मेडल जो है वो पाकिस्तान के अरशद नदीम को मिला है। 92.97 का उन्होंने भाला फेंका, मीटर का भाला फेंका, और इतिहास भी रचा उन्होंने। ओलंपिक में आज तक किसी ने भी इतनी दूर यानी इतने मीटर का भाला नहीं फेंका था। 19 पॉइंट समथिंग का, कुछ 0 पॉइंट का भाला फेंका गया था 16 साल पहले, उससे बाद किसी ने भी इतना बड़ा मीटर, इतने बड़े मीटर का मार्जिन पार नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर नदीम ने एक बड़ा कारनामा अपने नाम किया और पाकिस्तान में भी उनकी तारीफें हो रही हैं, साथ ही साथ भारतीय जो फैंस हैं वो भी उनकी तारीफ जो है वो कर रहे हैं। अब नीरज चोपड़ा की माँ ने भी यहाँ पर अपना अपना रिएक्शन दिया है, अपने बेटे को लेकर भी, साथ ही साथ नदीम को लेकर भी। नदीम को लेकर उन्होंने कहा कि वो भी मेरे बेटे जैसा है। इससे पहले भी आपको याद होगा टोक्यो ओलंपिक में भी नीरज चोपड़ा की माँ ने ऐसा ही कुछ बयान दिया था कि नदीम जो है उनके बेटे जैसे ही हैं। और इस बार भी उन्होंने जैसे ही गोल्ड मेडल अपने नाम किया उसके बाद से उनका रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि वो भी मेरे बेटे जैसे हैं और हमेशा मैं प्रे करती हूँ, दुआ करती हूँ कि और भी अच्छा करें। अब इसके बदले जो नदीम की माँ है उनका भी बड़ा बयान आ गया है नीरज चोपड़ा के लिए। उन्होंने कहा है कि नीरज चोपड़ा भी उनके बेटे की तरह हैं, वो नदीम के भाई जैसे हैं और मैं हमेशा उनके लिए प्रे करती हूँ कि अच्छा करें और भी मेडल्स लेकर आएं। यानी कि दोनों जगह जो भी मुल्क है, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे वो पाकिस्तान हो, दोनों तरफ जश्न का माहौल है। नीरज चोपड़ा ने भी इतिहास रचा है। साथ ही साथ बात करें यहाँ पर नदीम की, तो नदीम ने भी एक बड़ा इतिहास अपने नाम कर लिया है। ओलंपिक में 92.97 का जो भाला फेंका है ये सबसे दूर भाला फेंका है और इतिहास भी रचा है, पहले वो खिलाड़ी बन गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कल के मैच में जहाँ पर 6 राउंड्स हुए वहाँ पर 5 राउंड्स में नीरज चोपड़ा फाउल हुए और 89.45 मीटर का जो भाला फेंका था वो सेकंड राउंड में था। पहले राउंड में जब हमने देखा कि उनके हाथ से भाला जो है वो स्लिप हुआ, जहां पर वो गिर भी गए थे नीरज चोपड़ा, और उसके बाद से वो सेटिस्फाइड भी नहीं थे। उनका चेहरा बिल्कुल हम कहते हैं ना मायूस नजर आ रहा था, वो खुद भी अपने से सेटिस्फाइड नहीं थे। इसके बाद जो भाला फेंका दूसरा भाला वो 89.45 मीटर गया और ये दूसरे नंबर पर जो है वो नीरज आ गए थे। और जब बात करें यहाँ पर नदीम की, तो नदीम ने भी पहला जो भाला फेंका था वो फाउल हुआ था और दूसरे ही राउंड में जब वो भाला फेंके वो 92.97 मीटर गया, जो कि ओलंपिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना दूर भाला फेंका है यहाँ पर नदीम ने। तो चारों तरफ जो है वो चर्चाएं हो रही हैं नदीम की, साथ ही साथ बात हो रही है यहाँ पर नीरज चोपड़ा का भी। नीरज चोपड़ा की बात करें तो नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल उनके नाम जो है वो रहते रहते चूक गया। अगर ये भाला थोड़ा सा और दूर जाता तो शायद जो सोना था वो हमारे पास आता था, लेकिन कोई बात नहीं, मेडल तो मेडल होता है। अब यहाँ से हर कोई जो है वो तारीफ कर रहा है नीरज चोपड़ा की, हर कोई तारीफ कर रहा है नदीम की। तो देखिए, नदीम और नीरज चोपड़ा को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके फटाफट से बताइए। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ Facebook या फिर Instagram पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें ताकि ये खबर मिस ना होने पाए। न्यूज नेशन अब WhatsApp पर, खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।